सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों ने जिला प्रधान सोमनाथ की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को मांगों का ज्ञापन भेजा। मंच का संचालन जिला सचिव ज्योत सिंह ने किया। इस अवसर पर रिटायर्ड कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान जर्नेल सिंह सांगवान ने कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी विभागों से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी के विरोध में प्रदेश भर में रिटायर्ड कर्मचारी सीएमसीटी करनाल में डेरा डालेंगे। हरियाणा के बोर्ड निगम सरकारी अर्ध सरकारी कॉरपोरेशन व निगम से रिटायर्ड कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र भेजते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बदला है, लेकिन नीतियां नहीं बदली। प्रधानमंत्री महोदय नीतियों पर बात ना करके केवल विपक्ष को खोजते रहते हैं। हमें संविधान के तहत जो अधिकार उनकी गारंटी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की गारंटी चाहिए। कम्यूटेशन की कटौती 15 वर्ष की बजाय 10 वर्ष की जाए, 65 वर्ष की आयु पर 10%, 70 वर्ष की आयु पर 20% वृद्धि की जाए व मेडिकल भत्ता ₹3,000 मासिक किया जाए व कैशलेस इलाज की सुविधा सभी अस्पतालों में दी जाए। सरकारी अस्पतालों में सभी पदों को भरा जाए। वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बसों के किराए में छूट दी जाए। पुरानी पेंशन लागू की जाए। पेंशन को आयकर से मुक्ति की जाए। पारिवारिक पेंशनरों को भी LTC की सुविधा दी जाए। कोरोना काल का 18 महीने का बकाया एरियर दिया जाए। नई शिक्षा नीति रद्द की जाए। हाँ जी सर, सागवान जी आज मीटिंग बुलाई गई है, क्या मुद्दे हैं आपके? रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रांतीय बैठक 26 जून को रोहतक में हुई थी, जिसमें हमने सारा विचार विमर्श किया था कि जो सरकार पहले मनोहर लाल जी की थी, उन्होंने भी रिटायर कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत करे, कोई समस्या का समाधान नहीं किया। और अब नायब सैनी की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री हैं वो, हमने उनको भी पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक मेरे को बातचीत का कोई समय नहीं दिया। इसलिए निर्णय लिया गया था कि 12 जुलाई को पूरे हरियाणा में हम प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। वो आज हम ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन में हमने मुख्य मांग की है कि कम्यूटेशन की कटौती 15 साल होती है, और जबकि अब यह कैलकुलेट किया गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, अब ये 10 साल और 8 महीने में कम्यूटेशन पूरा हो जाता है, तो ये जो फालतू हमारे से पैसा लिया गया ये वापस दिया जाए, और ये केवल पटिशनर को ये सुविधा न लाभ न दिया जाए, सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के ऊपर ये लागू किया जाए। दूसरा, हमने कहा है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है ये ₹3,000 मासिक हम मांग रहे हैं, और सरकार ने घोषणा की है कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। हम उसमें कहना चाहते हैं ये कैशलेस घोषणा तो कर दी, इसके लागू कैसे करें, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं, वहाँ पर ना डॉक्टर है ना पूरा मतलब प्रबंध है, और प्राइवेट हॉस्पिटल इस इलाज को करने के लिए पहले ही मतलब मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने पिछला पैसा हमारा दिया नहीं, आगे हम क्यों करें, ये जो आयुष्मान योजना वगैरह तो लेकर हैं, इसलिए ये फिर क्या कैसा कैशलेस है। इसके अलावा जो ये तो, जो हमारी यार ये है, ये 65 वर्ष की आयु पर 10% वृद्धि होनी चाहिए और 70 वर्ष की आयु पर 20% वृद्धि होनी चाहिए। पंजाब और हिमाचल में इस समय 65 पर 5%, 70 पर 10%। हम इसमें ये कह रहे हैं कि 80 साल की आयु पर 20% वृद्धि की बात सरकार करती है, एवरेज एज कम हो चुकी है, तो उस हिसाब से 65 पर 10% और 70 पर 20% वृद्धि होनी चाहिए। और साथ में सरकार एक तरफ तो हैप्पी कार्ड इशू कर रही, ये वरिष्ठ नागरिकों जो आधे मतलब आधे किराए पर सफ़र करने की सुविधा दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक बसों में ये सुविधा नहीं, एसी बसों में ये सुविधा नहीं, और अब सारी एसी बसें लेके आ रहे हैं, तो हम ये मांग करते हैं रिटायर कर्मचारियों को यानी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो बस किसी प्रकार की हो, हरियाणा की सभी बसों में ये सुविधा मिलनी चाहिए। और ये जो पारिवारिक जो फैमिली पेंशनर्स हैं, इनको LTC नहीं मिलती, जबकि जो रिटायर्ड को LTC मिलती है, तो इनको भी LTC की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो कोरोना काल में जो हमारा 18 महीने का जो मतलब DA काटा गया था, वो एरियर हमें ब्याज सहित मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है हम तरक्की करें, विकास हो रहा है विकास, तो भाई हमारा एरियर दे दो जो आप लोगों ने काट रखा है। इसके अलावा ये जो नई शिक्षा नीति आई, इसको रद्द किया जाए। जो नया बिजली कानून लेके आए, इसको रद्द किया जाए। और ये जो काले कानून जो लेके आए, नई न्याय संहिता,
जो भारतीय न्याय संहिता जो लेके आए कानून, ये देश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, इनको रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि संसद में से जो विपक्ष से सांसद बाहर निकाल कर और तब ये कानून पास किए गए, ये जो धक्काशाही बीजेपी सरकार ने की है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और हम नीतियों की बात करते हैं, और ये जो बीजेपी की सरकार ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बात करती है। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए, अपराध मुक्त भारत चाहिए, तो ये जुमलेबाजी सरकार नहीं चाहिए। इसलिए या तो सरकार नीतियां बदले, अदरवाइज लोग इन सरकारों को बदल देंगे। इसीलिए हमने रिटायर कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम लिया है 12 जुलाई का, और इसके बाद 21 अगस्त को करनाल में CM सिटी है, वो वहाँ पर हम पूरे स्टेट का मास लेवल का धरना देंगे। यदि सरकार ने फिर भी कोई बात न की तो वहीं से आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।